आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और आगे बढ़ते हैं। लास्ट टर्म पर हमने आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल बताया था। इसमें हमने दो केस में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, एक आपको याद होगा एक्सियल पोजीशन में और एक इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर एक्सियल तो हो गया, इक्वेटोरियल हो गया, अगर मान लीजिए इन दोनों को छोड़ करके अदर कहीं अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना फिर क्या करेंगे। तो आइए वो भी हम आपको बताते हैं। मतलब आप इसको ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी आर्बिट्री पॉइंट, कहीं भी, ना तो एक्सियल ना इक्वेटोरियल, कहीं भी वो पॉइंट पहुंच सकता है। तो आइए उसका फार्मूला हम डिराइव करते हैं। इस फार्मूले को डिराइव करने में एक्सियल पोजिशन वाला फार्मूला भी हम लोग यूज करेंगे और इक्वेटोरियल वाला। तो पहले वो दोनों फार्मूला हम आपको लिख करके यहाँ दिखा देते हैं। देखिए एक्सियल पोजिशन वाला क्या था कि जैसे यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल था माइनस क्यू और ये है आपके पास प्लस क्यू, ये चार्ज हो गया। मिडिल पॉइंट मान लीजिए वो है, इसकी टोटल डिस्टेंस टू ए है। अब इसके एक्सिस पर जैसे हमने एक पॉइंट पी लिया था जिसकी यहां से डिस्टेंस जो है ये स्मॉल आर थी, तो इस केस में हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे इसको आप ऐसे लिख सकते हो ई एक्सियल, तो ये वैल्यू आई थी हमारी के इंटू टू पी बाई आर, और ये आपको याद होगा कि आर ग्रेटर ग्रेटर देन ए था, ये एक्सियल पोजीशन के लिए था। और इक्वेटोरियल, अच्छा इसका डायरेक्शन क्या था, इसका डायरेक्शन देखिए ये था नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ऐसे ये वेक्टर ई का डायरेक्शन, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। और इक्वेटोरियल में देखिए क्या था, इक्वेटोरियल में ये था, ये मान लीजिए आपका माइनस क्यू चार्ज है और ये मान लीजिए यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, ये ए है, ये ए है, ये हमारा पॉइंट मान लीजिए बी है। इक्वेटोरियल पोजीशन में ये पोजीशन, ये डिस्टेंस आर था, तो इस केस में हम लोगों का फार्मूला ये आता है ई इक्वेटोरियल, तो ये था 1/4 pi epsilon naught, या के भी लिख सकते हैं आप के इंटू पी अपॉन आर। इसका डायरेक्शन क्या था, तो इसका डायरेक्शन जो है आप ध्यान दें इस डायरेक्शन में था, ये फार्मूला हम लोग जब डिराइव किए थे तो वेक्टर ई इस डायरेक्शन में आ रहा था, मतलब वेक्टर ई का जो डायरेक्शन था वो वेक्टर पी के अपोजिट था। तो इस इन दोनों चीजों को आप ध्यान रखिए और हम लोग जो है नेक्स्ट जो फार्मूला है वो देखिए इसमें कैसे डिराइव हो जाता है। तो हम लोग का हेडिंग ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी आर्बिट्री पॉइंट, ठीक है। तो इस फार्मूले को देखिए कैसे डिराइव करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल वे में डिराइव करेंगे। देखिए यहां पर हमारा ये नेगेटिव चार्ज और ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज, मिड पॉइंट इसका ओ हो गया, तो ये टोटल डिस्टेंस आपका ई हो गया, ठीक है। अब आपको देखिए क्या करना है, आपको कहीं एक पॉइंट ले लेना है, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा यहाँ है पी, पी को ओ से ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रा कर दीजिए। ये लाइन जो है हमारे एक्सिस के साथ, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के साथ थीटा एंगल सबमिट कर रहा है, यहां ध्यान रखिएगा वेक्टर पी का डायरेक्शन आप जान नहीं है, इस साइड इधर से इधर की तरफ। तो आप ये भी कर सकते हैं हियर एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर आर इज थीटा, काम समझ आ गई आपको, एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर आर, वेक्टर पी इस डायरेक्शन में और वेक्टर आर इस डायरेक्शन में, तो ये मान लीजिए ये डिस्टेंस पूरा आपका आर। अब यहां पर देखिए हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारा देखिए इस डायरेक्शन में,
ध्यान से देखिए, ये वेक्टर पी इस डायरेक्शन में होंगे। अब हम इस वेक्टर पी के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाल लेंगे। एक कंपोनेंट देखिए क्या होगा, वेक्टर पी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये हो गया आपका पी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा पी साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के देखिए हमने दो कंपोनेंट निकाल लिए, एक जो है इस लाइन के डायरेक्शन में और दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो एक्सियल पोजीशन वाला था इसमें देखिए वेक्टर पी जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में आपका पॉइंट पी था एक्सियल वाले। तो यहां पे देखिए ये जो पी कॉस थीटा जिस डायरेक्शन में है उसी एक्सिस पर हमारा पॉइंट पी है, ध्यान से समझिएगा। और यहां पर देखिए, और जब इक्वेटोरियल में आप आ रहे हो तो जिस डायरेक्शन में वेक्टर पी था इसके परपेंडिकुलर पॉइंट था वो, इसके परपेंडिकुलर वो लाइन थी जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, ध्यान से समझते चलिए। तो यहां पर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए पी साइन थीटा है, इसके परपेंडिकुलर वाला लाइन देखिए ये है, तो इसके लिए ये इक्वेटोरियल हो गया और इस वाले के लिए एक्सियल हो गया। अब इन दोनों के कारण अलग अलग हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे, देखिए इस P cos थीटा वाले कंपोनेंट के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए इधर होगा। कैसे, देखिए यहां पर देखिए इस वेक्टर P के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो इधर था ना, तो उसी तरह से देखो ये P cos थीटा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा सेम इसी के डायरेक्शन इधर हो गया। इसको मान लीजिए हमने लिख दिया है P1, ध्यान से समझिएगा। और ये देखिए जो P sin थीटा वाला है इसके लिए तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया, तो इसका मतलब ये इक्वेटोरियल इसके लिए हो जाएगा। तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप देखिए इक्वेटोरियल वाले में क्या होता है कि जो डायरेक्शन वेक्टर पी का है उसके अपोजिट वेक्टर ई का हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पी साइन थीटा अगर इस डायरेक्शन में है तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो गई, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगा, ये देखिए कहानी समझ में आई आपको। ये वेक्टर E1 का डायरेक्शन हो गया, ये वेक्टर E2 का, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90, और आप जानते हो कि जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो उनका रिजल्टेंट होता है r = √a² + b². तो आइए देखिए फार्मूला हम यहां पर अप्लाई करते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर P अलोंग OP is P cos theta, thus electric field intensity due to electric dipole एक्सियल वाला यूज कर दी, तो ये हो गया k इनटू 2 p cos थीटा अपॉन r क्यूब, इसको अलग रख लीजिए। इसके बाद अब कंपोनेंट वेक्टर p परपेंडिकुलर टू due to P sin theta
तो ये हो जाएगा आपका E2 is equal to K into, अब इक्वेटोरियल वाला फार्मूला भी अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाता है आपका K into P sin theta upon R. अब सिंस वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, रिजिड रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी वाले चैप्टर में आपको बताया गया था।
तो जैसा हमने कल भी आपसे कहा था कि भाई 11th का जो है चैप्टर बीच बीच में रिवाइज कर किया कीजिए, क्योंकि उसका यूज 12th में भी होता है, तो बिना उसके काम चलना नहीं है। तो आपको करना क्या है कि कपल थोड़ा सा याद करिए कि फिजिक्स में हम लोग कपल को कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए, कपल जो होता है फोर्सेस का एक पेयर होता है, मतलब इसमें दो फोर्स होंगे और वो दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट और उनके लाइन ऑफ फोर्सेस अलग अलग होने चाहिए। जैसे मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है, इस पर आपने देखिए दो फोर्स अप्लाई किया, एक फोर्स देखिए यहाँ पर अप्लाई किया और एक फोर्स यहाँ, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट और उनके लाइन ऑफ फोर्सेज अलग अलग है। लाइन ऑफ फोर्स अलग होने का, देखिए इसका लाइन ऑफ फोर्स यहाँ है, इसका लाइन ऑफ फोर्स यहाँ है। तो जब भी किसी बॉडी पर इस तरह दो फोर्स अप्लाई होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो और जिनके लाइन ऑफ फोर्सेज अलग अलग हो, तो इन फोर्सेज में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। और जहाँ पर रोटेट कराने की टेंडेंसी आ जाती है तो इसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। मतलब फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट कराने की टेंडेंसी रखता है तो फोर्स के इसी टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क। तो यहाँ पर ये फोर्सेज का जो एक पेयर है, ये पेयर क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने की टेंडेंसी रखता है, तो इसी टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दोनों फोर्स जो है इनके लाइन ऑफ फोर्सेज के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए डी है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स ये टॉर्क जो होगा, मतलब इसको आप बोलोगे टॉर्क प्रोड्यूस बाय कपल, ये इसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों में से कोई एक फोर्स आप ले लो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्सेस दिस इज, तो इस फार्मूले का यूज होगा। देखिए अब एक फार्मूला आपको डिराइव कराने जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल जो दो फार्मूले हमने आपको डिराइव कराए थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए फार्मूले तो आपको बहुत सारे डिराइव कराए जाएंगे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर फार्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हीं फार्मूलों में से कोई ना कोई फार्मूला आपका बोर्ड के एग्जाम में डिराइव करने के लिए आता है, तो प्रैक्टिस तो आपको सबकी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखें हेडिंग हम लोग का ये होगा कि टॉर्क अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पर रखा है। डाइपोल की लेंथ आप जानेंगे और डाइपोल की लेंथ है 2a। तो अब जरा सा याद करो, आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड याद होगा, E इज इक्वल टू होता है वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से वेक्टर F इज इक्वल टू आ जाता है क्यू नॉट इनटू वेक्टर E। तो कहने का मतलब है कि अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो वो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन।
अगर ये निगेटिव चार्ज हो जाए तो इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। आप जरा ध्यान से यहाँ देखिए, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव, देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस एक प्लस में है और एक क्या है माइनस। इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा उसका डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, उसके कारण इस पर देखिए फोर्स ई अप्लाई होगा। एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई, ध्यान से देखिए। अब ये है निगेटिव चार्ज, इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा क्यू इन टू ई, लेकिन इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ध्यान से देखें तो इस तरह से आप देखो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक फोर्स ये और ये फोर्स, दोनों फोर्स देखिए मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में क्या है अपोजिट है। तो ये फोर्स का जो पेयर है ये एक कपल बना रहा है, इसमें ये चीज हो गया कि नहीं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, जब इसका टॉर्क निकालना होगा तो फोर्स है ना, दोनों से कोई एक फोर्स ले लीजिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्सेस, देखो इसका लाइन ऑफ फोर्स ये जा रहा है, इसका लाइन ऑफ फोर्स ये जा रहा है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया और यहां से इसके परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। देख रहे हैं ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो हमको यही देखिए डिस्टेंस चाहिए, लाइन ऑफ फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। तो ट्रायंगल एबीएन है, इन ट्रायंगल इसमें देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन होता है, साइन का, तो साइन थीटा इज इक्वल टू बीएम अपॉन एबी, तो यहां से बीएम की वैल्यू आ जाएगी एबी इनटू साइन थीटा, एबी की वैल्यू हो गई टू ए इनटू साइन थीटा, लीजिए ये बीएम मिल गया आपको, तो 10
नेक्स्ट फार्मूला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, जैसे एक मान लीजिए रिंग है हमारे पास और इस रिंग को मान लीजिए हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया। यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब हर जगह इस पे चार्ज का जो है वैल्यू सेम रहे, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि कहीं चार्ज ज्यादा कहीं चार्ज कम। तो अगर इस रिंग के एक्सिस पर, तो इसके सेंटर से पास होने वाला ये कोई एक्सिस होगा, इस एक्सिस के किसी पॉइंट पर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको देखिए हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हाँ फिगर तो यहाँ बनता है टू डायमेंशनल में, जब ये क्वेश्चन किसका है थ्री डी का है, क्योंकि ये देखिए थ्री डी में है, ये अलग प्लेन में जाएगा, ये अलग प्लेन में आ रहा है, इसको देखिए हम लोग इस तरह से बनाते हैं। तो बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिएगा, ये मान लीजिए हमारा रिंग है, ये रिंग जो ऐसे था, इसको हम ऐसे थोड़ा सा ऐसे घुमा करके आपको दिखा रहे हैं। ये रिंग इसका एक्सिस मान लीजिए जो है ये सेंटर हो गया ओ, और इसके एक्सिस पर हमने कोई एक पॉइंट पी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पर डायमेट्रिकली अपोजिट दो पॉइंट लेंगे, एक इधर ले लेते हैं और एक इधर ले लेते हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट। अब मान लीजिए इस पर क्या है प्लस टू चार्ज, मान लीजिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें डायरेक्टली अपोजिट हमने दो स्मॉल जो है चार्ज ले लिया, मान लीजिए ऊपर हम लेते हैं ये डी क्यू और डायरेक्टली अपोजिट यहां भी हमने ले लिया डी क्यू, सेम वैल्यू। अब देखिए इस चार्ज के कारण यहां, अब इसमें हम लोग यही करेंगे, इसको मान लेते हैं कि ये रिंग का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, और सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है मान लीजिए एक्स, यहां से हमने इसको ज्वाइन किया, ये है डिस्टेंस आर, इसको ज्वाइन किया, ये डिस्टेंस भी है आर। अब इस टेस्ट ये चार्ज का एक छोटा सा पार्ट जो है, इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है वहां पर आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कंसीडर करिए। मतलब सोचिए कि यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसका डायरेक्शन देखिए ये हो जाएगा, ये हो गया आपका डी ई, इसको हम लोग डी ई कर रहे हैं। फिर ये चार्ज जो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो भैया ये भी इसको रिपेल करेगा, ये हो गया डी ई डैस। हालांकि ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन बस इनके अलग अलग है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये सपोज कर लेना कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब ये एंगल देखिए थीटा है, तो इसका अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा और इसका अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा। अब इस डी ई का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये होगा आपका डी ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो इस तरफ होगा, और ये होगा डी ई साइन थीटा। इसी तरह से डी ई, ये डी ई डैश वाला है, और ये डी ई जो है इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा डी ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इधर कंपोनेंट आ जाएगा आपका डी ई साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, देखो ये जो डी ई है मतलब वेक्टर डी और ये वेक्टर डी ई डैश, इन दोनों के मैग्नीट्यूड से, क्यों मैग्नीट्यूड से, मतलब जो चार्ज यहाँ है वही चार्ज यहाँ, जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है, तो डिस्टेंस सेम है चार्ज सेम है, इसलिए ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये डी ई डैश साइन थीटा और डी ई साइन थीटा ये भी मैग्नीट्यूड में सेम हो गए, तो इसका मतलब ये इसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड
ये इसको कैंसिल कर देगा और एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा। तो जिस तरीके से हमने रिंग के दो डायमेट्रिकली अपोजिट लिया था, जैसे फिगर में एक यहाँ लिया था एक यहाँ, वैसे ही अगर हम एक यहाँ लें एक यहाँ लें एक यहाँ, मतलब पूरे हम जो है इसके सर्कमफ्रेंस को ऐसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर डायमेट्रिकली अपोजिट पार्ट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट निकालें, तो एक्सिस के अलॉन्ग वाले कंपोनेंट तो सम ऐड हो जाएंगे लेकिन उसके परपेंडिकुलर वाले सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर जितने भी कंपोनेंट हैं सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो एक्सिस के अलॉन्ग वाले हैं उनका सम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ कुछ चीज़ें हम लोग पहले निकाल लें जिनका यूज करना है। आर इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 और कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल करके रख लीजिए। कॉस थीटा इज इक्वल हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब एक्स बाई आर मतलब यही बात में आर की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये दो चीजें हमने निकाल कर रखी, इसका यूज करना होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी ड्यू टू होल चार्ज्ड रिंग, तो ये देखिए हो जाएगा ई इक्वल टू समेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। अब ये डीई की वैल्यू कितनी होगी, तो डीई की वैल्यू अब आप जो अपने बेसिक फार्मूलेशन निकाल लीजिए। डीई क्या है, ये जो स्मॉल चार्ज है इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए ये हो जाएगा के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू डीई की हो गई। कॉस थीटा हम पहले निकाल लेते हैं तो 10 ई इक्वल टू हो गया समेशन ऑफ डीई, तो डीई की वैल्यू ये हो गई के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स बाई आर। अब इसमें जो जो कॉन्स्टेंट है सबको बाहर ले लीजिए, तो कॉन्स्टेंट में देखिए के कॉन्स्टेंट है आपका और एक्स भी कॉन्स्टेंट है, यहाँ आर क्यू हो जाएगा ये भी कॉन्स्टेंट है, अंदर आपका बचेगा सिग्मा डी क्यू। अब सिग्मा डी क्यू का मतलब क्या हो गया कि ये जितने भी स्मॉल डी क्यू है इन सब का सम कर दीजिए, तो इन सब का सम करोगे तो पूरे चार्ज रिंग का चार्ज आ जाएगा, तो चार्ज रिंग को टोटल चार्ज आपने क्या दिया हुआ था क्यू दिया हुआ था, तो ये हो गया के इंटू एक्स बाई आर क्यू इंटू क्यू। तो हमारा फार्मूला देखिए ये हो गया के क्यू इंटू एक्स अपॉन आर क्यू। अब आप आर की वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा के क्यू एक्स और आर की वैल्यू हमारी हो गई अंडर रूट ये है ना, ये पुट कर देंगे तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये लीजिए फार्मूला। ये के क्या है, तो के जैसे अगर आपने चार्ज रिंग को अगर एयर या वैक्यूम में रखा हुआ तो के की वैल्यू हो जाएगी 1/4 क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब यही अगर मान लीजिए पॉइंट पी जो है अगर सेंटर पे होता है, इफ पी लाइज ऑन सेंटर ऑफ द रिंग एक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो ये एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो रखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो आपको याद रखना है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग अगर है तो उसके कारण उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होता है, और यही अगर आर ये एक्स ग्रेटर ग्रेटर देन आर हो जाए मतलब ये डिस्टेंस जो है ये रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हो जाए, उस केस में आप क्या करोगे आर स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दोगे, ई की वैल्यू इस केस में आ जाएगी 1/4 आर स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया तो ये हो गया एक्स अपॉन आर एक्स क्यूब आ जाएगा और
एक्स एक एक्स कैंसिल होगा, ऊपर की ऊपर ही है, तो ये जाएगा 1/4 π ε0 और ये आ गया q/x2। ये देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज आपने प्रूव करने का सीखा। तो स्टूडेंट्स, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, मैं एकदम बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आप कम से कम अपने से 2 से 3 बार अपने से डिराइव करिए, और डिराइव करने के बाद फिर जो है, जब तक आप बिना देखे इसको डिराइव नहीं कर लेते हैं, तब तक आप ये ना समझिए कि आपको समझ में आ गया। तो बोर्ड के एग्जाम में आप तभी इन सब प्रूफ को कर पाओगे जब बढ़िया से आप समझिए। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि स्टेप को याद करते हैं, नहीं याद नहीं करना, बेसिक कॉन्सेप्ट बना के चलिए, आपको हमेशा जो है वो याद रहेगा। बिना कॉन्सेप्ट के अगर आप करोगे तो बीच में एक लाइन भी अगर आप भूल गए, सोचोगे अरे इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था, फिर आपसे हो गई नहीं। तो बढ़िया से आप प्रैक्टिस करें, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है आप जितने भी लेक्चर हैं इन्जॉय कर रहे हैं। कहीं कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इस समय जो है जितना ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचेगा वीडियो उतना ही उनको फ़ायदा होगा। और ये टाइम जो लैप्स ना करें उनका, बहुत महत्वपूर्ण ये समय चल रहा है, तो इस समय उनके पास टाइम भी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करेंगे, और जब ये एक्सरसाइज के सारे प्रूफ अगर हम करा देंगे तो फिर उसके बाद आपको न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कराएंगे।